चलिए आज दोस्तों हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम 2023-24 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप भी आप लोग इस बार दोस्तों 11 अक्टूबर से सेंटअप एग्जाम होने वाला है दोस्तों में भाग लेने वाला था, सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, क्योंकि 11 तारीख को सेंटअप एग्जाम और 1 फरवरी को होने वाले फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा स्टूडेंट, जो कि आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में प्रश्न ये सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैथ का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, PDF का टेंशन है, सोल्यूशन के साथ आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ से आप लोग NCERT परसेंट पैटर्न पर 262 प्रश्न को जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने के लिए काफी होगा। चलिए PDF कोर्स लेने के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट, आप लोग PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिख रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, और 7 बजे 8 बजे रोज शाम को क्लास होता है। चलिए स्टूडेंट क्लास की ओर 212 से तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का वीडियो समझे पूरे यूट्यूब पर भौकाल लेकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रोटेक्स का डिफ्रेंसिएशन। देखो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग करना भूल जाता है, अगर पहली बार हो तो ललका को दबा करके मन को हल्का कर लीजिए। देखिए रोटेक्स है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक बात पता है कि रोटेक्स का जो वैल्यू होता है हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही विद्यार्थियों को पता है जब ये लिख सकते हैं डी स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है इसका पावर x/2 होगी, यानी कि x^n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सही विद्यार्थियों को जुवानों पर याद रहेगा nxn-1, यानी कि सर जी हम समझ गए 1/2 को x में गुना करेंगे इस प्रकार से, और इसके पावर में से एक घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा माइनस का रूप आएगा, क्या आएगा डी स्टूडेंट, देखो 1/2 आया दोस्तों, यहाँ से पावर क्या आएगा 1/2-1। अब देखो यहाँ से लघुत्तम लोग 2 आएगा दोस्तों, तो यहाँ से 1 और यहाँ से आप लोग का 2, यानी कि -1/2, यानी कि आप लोग क्या समझे इसका -1/2 पर आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्टूडेंट 1/2 √x, क्योंकि दोस्तों ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएंगे डी स्टूडेंट, तो 1/2 √x हो जाएंगे। काफ़ी एजे प्रश्न है, नाइस समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप लोग का डायरेक्ट सूत्र होता है जो कि मैंने आप लोग को सॉल्यूशन करके निकाल दिया। चलिए डी स्टूडेंट एग्जाम में तहलका नहीं भौकाल मचा देंगे, एक एक क्वेश्चन में आप लोग का दोस्तों दौड़ चलेगा। ठीक है डी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, फाइनल एग्जाम की छोड़ो, आप लोग सेंटअप एग्जाम अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करता, मैं 101% नहीं 110% दोस्तों दावा करता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में वैसा ही प्रश्न को यार हल्का मचा दोगे। ठीक है डी स्टूडेंट, देखो सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न आता है डी स्टूडेंट फाइनल एग्जाम उसी पैटर्न पर प्रश्न आते हैं, उससे आसान हो सकता है लेकिन हार्ड कभी नहीं करता। ठीक है डी स्टूडेंट, चलो सही विद्यार्थी लास्ट तक बना, आप लोग को PDF कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, सही विद्यार्थी टेलीग्राम सिर्फ ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए देखो कॉर्टेक्स का डिफ्रेंसिएशन, आप सोचो कॉर्टेक्स का डिफ्रेंसिएशन डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक चार्ट है डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है ना, तो इसका मैं दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट पर डाल दिया हूँ, जो कि आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है, ऐसे तो इसका माइनस कोसेक का स्क्वायर, लेकिन आप लोग इसका PDF लेने के लिए डियर स्टूडेंट ये गूगल वेबसाइट देखा, यहीं आप लोग को सर्च करना, वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट में आप लोग को बतला देंगे डाउनलोड करके, या तो अभी भी आप लोग जाकर के education.com सर्च करें तो PDF आप लोग आ जाएगा। चलिए सेकंड का आप लोग कमेंट कीजिए कि कॉर्टेक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता है, देखिए कॉर्टेक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछा है डी स्टूडेंट, क्या पूछा है कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स होते हैं, होते कि नहीं डी स्टूडेंट, बिल्कुल होते हैं। चलिए बिल्कुल हल्का मचा दीजिए, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, यहाँ से जो विद्यार्थी सी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे डी स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल कन्फर्म याद रखना है। ठीक है डी स्टूडेंट, चलो ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है, आप लोग अगर यकीन करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन की सामत ले आओगे। ठीक है डी स्टूडेंट, देखो e^3x दिया गया, मैंने हर बार हर वीडियो हर पेपर में हर बिहार बोर्ड का एक पेपर हो उसमें ये प्रश्न दोस्तों दबदबा रहता है, यानी आप डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन,
बस पूछेगा यही ट्रिक, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखो ट्रिक का। ई के पावर थ्री एक्स दिया गया, डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बोले हैं एक्स के साथ जो गुणांक रहता डिफ्रेंशिएशन में अब वो आगे चला था, लेकिन समाकलन पूछेगा तो नीचे जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, इसलिए जो थ्री होगा ना वो आगे आएगा, कहाँ आएगा, आगे आएगा गुना में, और यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखोगे ऑप्शन तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट एग्जाम में तहलका मचा करके आप लोग आइएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि काफ़ी इजी प्रश्न था। पता चलने की क्या बात है यार, आप लोग कोचन बैंक को पढ़ते हो तो आप लोग को पता है। जो भी विद्यार्थी अगर मेरे बात को नहीं माने, यानी कि कोचन बैंक नहीं लिया है, यानी कि मार्केट से अब तक दोस्तों आप लोग कोचन बैंक टारगेट पर क्वेश्चन का बेस्ट होता है, वो आप लोग अगर नहीं ले आए तो जाके के प्लीज जाके के आप लोग मार्केट से ले लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए देखो टेन इनवर्स वन प्लस कोस एक्स, देखो ये इलेवेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट आया, वन प्लस कोस टू एक्स का सूत्र क्या होता है, तो प्लस का दिया रहता है तो टू कोस स्क्वायर एक्स रह जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये होता है सूत्र। वही दोस्तों वन माइनस क्या, वन माइनस कोस टू एक्स पूछता है, वन माइनस कोस टू एक्स, ये टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है, यानी कि समझो क्या समझने की बात है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को ये समझना है कि प्लस रहेगा तो कोस होगा, माइनस रहेगा तो साइन होगा, बस यही अंतर, यही अंतर डियर स्टूडेंट, याद रखना प्लस रहेगा तो कोस को याद रखना यहाँ पर, और यहाँ पर जब माइनस रहेगा साइन का याद रखो, बस दोस्तों बात साफ है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट वन प्लस कोस एक्स दिया गया है, तो आप लोग सोचेंगे वन प्लस कोस टू एक्स दिया गया सर जी, तो क्या करें, तो देखो कुछ नहीं करना है, ये आप लोग का जो दो दिया गया ना ये गुना में इस तरफ जाएगा तो भागा में जाएगा, इस तरफ उसी प्रकार दो गुना में इस तरफ जाएगा भागा में, यानी कि समझ गए सर आप, रहने दीजिए। देखिए वन प्लस कोस टू एक्स का दोस्तों सूत्र आप लोग को पता चल गया क्या हो गए, टू कोस स्क्वायर हो गए, समझो समझ जाओगे आप लोग बेहतरीन स्टूडेंट, विद्यार्थी मेहनती हो। चलिए देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू करेंगे, आप सोचोगे एक्स बाई टू क्यों कर दिए सर जी, क्योंकि वन प्लस कोस टू एक्स का सूत्र ना में पता था टू कोस स्क्वायर, वाई टू एक्स है दोस्तों एक्स का गुणांक नीचे है, यानी कि दोस्तों समझ लो कि गुना में भाग में चला जाता है। देखिए नीचे का सूत्र क्या था, टू साइन स्क्वायर होता है क्योंकि माइनस वाला साइन स्क्वायर के लिए। चलो अब देखो डी एस एंड खत्म, देखिए मोबाइल हिल गया, चलिए यहाँ से दो खत्म। अब सोचोगे क्या आप लोग कॉट स्क्वायर होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे सर जी, कॉट स्क्वायर एक्स वाई टू होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, किस क्लास से, क्लास टेंथ से क्या देंगे कॉट स्क्वायर एक्स देंगे, बस लिख दिया कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू सर जी, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ दी है। देखो यहाँ से पहले समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रूट दिया गया, यहाँ देखो ना डी एस रूट दिया गया, रूट से स्क्वायर खत्म, यानी कि कॉट एक्स बाई टू आ गया, स्क्वायर था ना डी एस रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, पता ना आप लोग को वन बाई टू मान होता है, तो आप लोग को इसीलिए वन बाई टू दोस्तों खत्म हो गया, टू खत्म हो गया, तो यहाँ से कोट एक्स बाई टू आ गया। अब हम लोगों के करना क्या डियर स्टूडेंट, के टैन इनवर्स जो दिया गया इसी को लिखेंगे कुछ इस प्रकार, टैन इनवर्स टैन 90 माइनस, देखो यहाँ से समझो थोड़ा सा, मैं आप लोग को समझा दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए इसको हम लोग पाई बाई टू यानी कि एक्स बाई टू कर देंगे डियर स्टूडेंट, आप समझो क्या मैं किया हूँ। देखो ये टैन एक्स बाई टू, टैन 90 माइनस टीटा क्या होता है, टैन कॉट टीटा होता है कि ना, बिल्कुल, तो कॉट एक्स बाई टू आ जाएंगे, यानी कि कॉट एक्स बाई टू ही हमें अभी प्राप्त था, उसी का एक सूत्र लेके टैन एक्स बाई टू। चले नहीं समझ में कोई दिक्कत की बात है, सोल्यूशन के साथ देंगे, टैन इनवर्स टैन एक्स होता है तो 90 माइनस एक्स बाई टू हो जाएंगे, 90 माइनस एक्स बाई टू का आप कलन करोगे तो ये कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो डिफ्रेंशिएशन, माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई टू होता है, सही विद्यार्थियों को पता है, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है, तो माइनस एक्स बाई टू का जो डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस वन बाई टू देंगे, इसी का एक जुड़वा कोचेंट, ये स्टूडेंट जुड़वा कोचेंट वन माइनस कॉस एक्स और नीचे वन प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू वन बाई टू हो देंगे, क्या हो देंगे वन बाई टू हो देंगे, इतना याद रखना। चलिए डियर स्टूडेंट एग्जाम में तहलका फोड़ देंगे, ए नंबर हो देंगे, धुरे धुरे कर देंगे एग्जाम में, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए आज देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि लॉग रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है। देखो अब दोस्तों अवकल गुणांक पूछे या डिफ्रेंशिएशन पूछे, आप लोग को एक बात दोस्तों ध्यान रखना है, एक्स के सापेक्ष करता है डिफ्रेंशिएशन, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ना करते, बस
अब देखो थोड़ा सा समझो यार दोस्त, तैयारी होगी, चैन आएगा, चैन का एक रूल बनेगा, जैसा कि आप लोग का फ्रेंड होगे उसी से दोस्तों आप लोग कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, ऐसे से कनेक्ट होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्त यारे चलेगा। देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग, देखो यहाँ से देखिए यहाँ से लॉग आ जाएंगे डीएसटूएन, यहाँ से आप लोग का रूट एक्स हो जाएंगे। और देखो लॉग का दोस्त कौन है डीएसटूएन, तो सही विद्यार्थियों को पता है कि लॉग का दोस्त है रूट एक्स, तो रूट एक्स के करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स हो जाएगा एक्स का दोस्त। यहाँ से देखिए लाओ का मतलब लटकाओ, रूट एक्स का मतलब वन बटा टू रूट एक्स, लाओ का मतलब क्या होता है पेड़ा लटकाओ, तो इसको लटका दिया डी स्टूडेंट, और रूट एक्स का वन बटा टू रूट एक्स हो गया डी स्टूडेंट। देखिए ये क्या हो गया सर जी, बन गया रूट एक्स गुना रूट एक्स, आप लोग को पता है दोस्तों एक्स आता है, अब टू का दोस्तों टू ए रह जाएगा, समझो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नाइन समझ में और समझो लॉ का मतलब क्या, लटकाओ रूट एक्स हो गया, और रोटेक्स का दोस्तों क्या होता है वन बटा टू रोटेक्स होता है। अब देखो रोटेक्स और रोटेक्स दोस्तों क्या नहीं कैंसिल होंगे, या तो कहेंगे रोटेक्स और रोटेक्स दोस्तों कुछ नहीं होता है, यानी कि एक्स और एक्स ये हो गया आप लोग का क्या देंगे, क्या देंगे डी स्टूडेंट, चलिए बिल्कुल बिल्कुल डी स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा है, सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ। चलिए के क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा, क्योंकि आप लोग को रूट एक्स का मतलब लटकाना होता है, और यहाँ से आप लोग का क्या देंगे वन बटा टू रूट एक्स हो जाएंगे, और रूट एक्स गुना रूट एक्स जो होता है दोस्तों एक्स हो जाएंगे, इनके वन बटा टू एक्स हो जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे रूट एक्स सिक्स गुना रूट सिक्स क्या हो जाएगा, क्या देगा छः आएगा ना, कि रूट एक्स छः स्क्वायर थोड़ी आएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग को पता है ये दोस्तों रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स होता है, इसलिए वन बटा टू एक्स हो गया। यहाँ से देखोगे नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए इसका सही विद्यार्थी को पता है पाई बाई टू वैल्यू होता है डी स्टूडेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो जीरो आता है, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है डी स्टूडेंट, यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगा बिल्कुल सही है। चलिए सही विद्यार्थी को पीडीएफ क्वेश्चन लेना है, तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ललका को दबा करके मन को करें हल्का, जो विद्यार्थी हल्का नहीं किया कर लीजिए, डी नंबर इसका हो देंगे। देखिए यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि सेकेंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि का आपका लाते, देखिए देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्टूडेंट, डी साइन टू एक्स का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सही विद्यार्थी को पता है टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। चलो यहाँ से आप लोग का टू एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और सही विद्यार्थी को पता है साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, प्लस का कॉस टू एक्स होते हैं, होते हैं सर जी बिल्कुल, और टू एक्स आप लोग को पता है टू एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों दो होता है, यानी कि टू कॉस टू एक्स, देखो कौन सा ऑप्शन, देखो दो कॉस टू एक्स हुआ है, लेकिन इसको हम लोग दो बार अवकलन किया, ये तो एक बार अवकलन हुआ डी स्टूडेंट, अब दूसरी बार इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। देखो समझो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे, एग्जाम में इतना हल्का मत हो, देखे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, टू कॉस टू एक्स था ना, दो को बाहर कर दिए, और आप लोग का क्या अंदर था साइन टू एक्स, यहाँ का कॉस टू एक्स आ जाएंगे, ठीक है डेस्ट। चलो यहाँ से समझो समझो मेरे पेलाल, यहाँ पर चैन रूल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट दिए हैं। चलिए दो पहले से बाहर हो गया, और साइन टू कॉस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स होता है सर जी, बिल्कुल हमें पता है। अब आप लोग सोचोगे ये आंसर हो गया, लेकिन नहीं जी ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ से समझो टू एक्स का भी एक बार अवकलन करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर चैन रूल हम लोग नहीं लगाए, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर समझो यहाँ पर पेज नहीं है हमें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो टू एक्स यानी कि आप लोग को याद रहेंगे एक्स का गुणांक बाहर आएगा, तो दो दोने के ये चार हो गए, चलो ये दो दोने के चार होंगे, तो माइनस फोर साइन टू एक्स ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट, एकदम धोरे धोरे उड़ा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए का कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करें, किसका डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन करें, देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सही विद्यार्थी को पता है कि साइन एक्स होता है, होता है कि नहीं होता आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों कॉस एक्स का जो समाकलन होता है साइन एक्स होता है, यानी कि कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स हो जाएंगे, ऐसे याद रखोगे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, देखो कौशेक्स पूछा जा रहा है, कन्फ्यूजन नहीं करने का डी स्टूडेंट, कौशेक्स का माइनस साइन एक्स होते हैं, ठीक है ना डी स्टूडेंट, साइन एक्स का ना डिफ्रेंशिएशन कौशेक्स होते हैं प्लस का, ये सब कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को चार्ट को डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से जाकर के, ठीक है डी स्टूडेंट, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग को पीडीएफ ये सारा दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी देंगे, 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया प्रश्न। चलिए मैंने आप लोगों को बोला है, बोला क्या है वो आप लोग जानते हो कि एग्जाम में बनाने का पैटर्न वही होगा, सिर्फ आंख को चेंज करा, साइन स्क्वायर दिया है आपको बोर्ड एग्जाम में कॉस स्क्वायर देगा, तो इसको तो आप लोग कर लेगा टू कॉस एक्स हो जाएंगे इसका, और दोस्तों उससे कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राइट आंसर उस स्थिति में, इसको माइनस साइन टू एक्स भी कह सकते हो,
इस प्रकार से भी। लेकिन आप लोगों को कहे ना कॉन्सेप्ट दे देंगे, एग्जाम में फाड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा दोस्तों, फाड़ दीजिएगा। चलिए साइन स्क्वायर दिया गया कुछ नहीं, आप लोगों को पता है कि एक बात आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। अरे यार पता है, देखिए यहाँ से देखो टू साइन एक्स हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी को पता। हाँ चलिए टू माइनस वन बिल्कुल। अब सोचो जब दोस्तों आप लोगों को पता चला कि साइन स्क्वायर है तो इसका दोस्त साइन एक्स होगा, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो इसका दोस्त साइन एक्स। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन टू साइन एक्स हुआ, और आप लोग को पता ना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा सर जी, यानी कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, आप गलत बता दिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो सूत्र होता है साइन टू एक्स का सूत्र होता है, ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा देना है, एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन भी दे देगा, इस प्रकार का ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देगा तो ललका कदवा करके मान का हल्का कर लेंगे। और सबसे पहली बात कि नए नए होंगे इसलिए आप लोग को थोड़ा दोस्तों जो होता है ना दिक्कत होता है, इसलिए कहते हैं मान को हल्का करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डे स्टूडेंट देखिए नाइन नंबर प्रश्न है, क्या कहा जाए कि एक्स बराबर और वाई बराबर और दिया गया डी बाई डी एक्स। तो डी एर स्टूडेंट ठिट्ठा के रिस्पेक्ट में आप कर किसके रिस्पेक्ट ठिट्ठा, ठीक है डे स्टूडेंट। चलो यहाँ से समझेंगे, देखिए डे स्टूडेंट क्या कहा, डी बाई डी एक्स निकालने की बात आया है, बाई क्या देगा कोस ठिट्ठा दिया गया, अरे यार कोस ठिट्ठा ना दिया गया है, तो यहाँ से करेंगे बाई वाला का अवकलन, तो कोस एक्स का क्या हो जाएंगे, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन ठिट्ठा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बाई दिया गया, पहले बाई का निकालेंगे तो बाई का क्या आगे कोस ठिट्ठा का माइनस साइन ठिट्ठा डिफरेंशिएशन। और दोस्तों एक्स नीचे दिया गया है, नीचे वाला करेंगे तो साइन ठिट्ठा का डिफरेंशिएशन कोस होता है। चलो देखो कौन सा ऑप्शन में माइनस टेन दिया गया है, चलिए डियर स्टूडेंट चलिए कहाँ तो ले चलेंगे दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट पर, चलिए माइनस साइन डेटा बटा कॉस देखोगे तो माइनस टेन का रूप होता है क्लास टेंथ से। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन में कोई जो होता है ना दोस्तों की उसमें लगता है सोल्यूशन, लेकिन इसमें कुछ नहीं, ये ही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यार, 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना, एक दो क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को रोकने का प्रयास करें, लेकिन आप लोग बिल्कुल गतिशील हो जाएंगे एग्जाम में। ये नहीं गतिशील का मतलब नहीं कि जानते हुए भी गलती कर दे, जल्दबाजी में जानते हुए भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है एग्जाम में, ये नहीं सोचना है कि सब बन रहा है। देखो वैसे ही विद्यार्थी देखो थोड़ा सा समाज लोग थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, देखो अनुभव आप लोग को बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो को उनको लगता है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये सब प्रश्न, और वो तैयारी बहुत अच्छा करते हैं, क्या करते तैयारी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया तो वो इतना जो होता है ना जोश में आ जाते हैं, एकदम जोशीला हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं और एग्जाम में गलती ही गलती कर देते हैं। आप लोग को ये नहीं सुना, आप लोग सोचो कि आप लोग टेस्ट एकदम बेहतर यानी कि आसान वाला दे रहे हो, एग्जाम में आसान प्रश्न आएगा, ऐसा समझोगे एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होगी, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से दो को कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू होता है दोस्तों वन, और टू गुना वन दोस्तों मिलकर के दो का निर्माण करेगा, और डियर स्टूडेंट दो हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बताओ बी नंबर हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो समझो यही आप लोग को समझाना चाहते, जल्दबाजी में जाते यही गलती करेंगे, आप लोग को पता ना डी स्टूडेंट यही गलती करेंगे, देखो आप लोग को पता ना डी स्टूडेंट दो का अवकलन करेंगे ये क्या हो गया संख्या हो गया, संख्या का दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन जीरो होता है, समझो समझो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा डी स्टूडेंट, देखो ऐसे पूछेगा एग्जाम में, देखो कैसे, हाँ देखो दो दे देगा और यहाँ से टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इस प्रकार दे देगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है ये सब एग्जाम में तहलका मचाने के लिए प्रश्न होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दे देगा, इस प्रकार से भी दे सकता है फूल लगा के, ठीक है दोस्तों ये सब आप लोग को क्लियर करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो ये सब कोई ऑप्शन को देखना भी नहीं, ये सब ऐसे हैं दोस्तों फालतू में ऑप्शन है। चलिए देखिए डे स्टूडेंट ऐसा प्रश्न आपको बोले ना अवकलन डिफ्रेंशिएशन पूछते रहेगा ये प्रश्न यार, डिफ्रेंशिएशन में या तो इंटीग्रेशन में सेंटअप एग्जाम जो होता है डे स्टूडेंट 2022 का उसमें पूछा गया था इस प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न था डिफ्रेंशिएशन में था या तो इंटीग्रेशन में, याद नहीं लेकिन डिफ्रेंशिएशन में लगता था। देखिए यहाँ से क्या देगा ई के पावर थ्री एक्स दिया गया, बस बस बस
आप लोगों के पास दोस्तों क्या है, एक क्षमता जो आप लोग नहीं पहचान पा रहे, आप लोग को पहचानना पड़ेगा। वो क्या है कि वीडियो छोड़ करके चले जाते, यही आप लोग क्षमता को पहचानो कि नहीं छोड़ के जाना है। देखिए ई के पावर, देखिए कुछ भी एकदम समझ लेना है, ई के पावर क्या दिया गया है दोस्तों, 3x समाकलन हो या अवकलन यही हो जाएंगे। प्लस का सी बिल्कुल सही राइट आंसर, देखोगे कौन सा ऑप्शन सी नंबर, लेकिन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप लोग को दोस्तों धैर्य बनाने रखना एग्जाम में, क्योंकि आप लोग को पता है, क्या पता है कि x का जो दोस्तों गुणांक होता है डिफ्रेंशिएशन में आगे आता है, कहाँ आता है, आगे आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो था लटकाते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लटका देते हैं। देखिए लटक गया, देखिए अब देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी स्टूडेंट समझो, बहुत इजी प्रश्न है, एग्जाम में इसी के अंक को चेंज करेगा, ई के पावर 5x करेगा। समझो डियर स्टूडेंट समझो, देखो यहाँ से ई के पावर 5x हो जाएंगे, और सही विद्यार्थी को पता x का गुणांक जो होगा नीचे आएगा, प्लस का सी जुड़ेगा। अब यकीन करने वाले विद्यार्थी यकीन करेंगे, अब वीडियो छोड़ने वाले दोस्तों छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ हर वीडियो में, और दोस्तों दिमाग सनक गया बतलाते बतलाते यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यकीन करोगे तभी एग्जाम में तहलका मचाओगे, मेहनत करने वाला दोस्तों सक्सेस होता है। चलिए यहाँ से बिल्कुल डी नंबर हो जाएंगे, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट को बताते हैं यार, हमको भी नहीं समझ में कितना यार कितना आप लोगों को बताएं, लेकिन समझने वाले ही समझते हैं। चलिए से का स्क्वायर का टेस्ट क्या पूछा था, समाकलन। सभी लोग विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ऐसा अगर जो विद्यार्थी रेगुलर मेहनत करते हैं, बेहतर तरीके से क्लास करते हैं डीएसयू, तो मैं इसके साथ दावा करता हूँ इस प्रकार एग्जाम में देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आया सर, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऐसे मार कर चलोगे, यानी कि जैसे लगा कि हिंदी का क्या बोलते हैं परीक्षा दे, जैसा लगा ऐसे टिक मारोगे, सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, याद रखना। देखो सेक स्क्वायर का टैन थीटा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं टैन थीटा, लिमिट लगा दिया 0 से लेकर के π/4, बस आप लोगों को पता है 10π/4 1 होता है, तो 10 यहाँ से π/4 हो जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों क्या देंगे, देखो सेक स्क्वायर, देखो थोड़ा सा यार हम भी कहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा हम भी गलत कर बैठे थे। देखिए कैसे सेक स्क्वायर का समाकलन tan थीटा होता है, सही विद्यार्थी को पता है, समझो। देखिए मैं भी यहाँ पर थोड़ा गलती करता अगर एग्जाम में डायरेक्ट मारता, तो देखिए टेन पाई बाई फोर आए, क्या है दोस्तों, क्या पाई बाई फोर है, सॉरी पाई बाई फोर है। देखो सेक स्क्वायर का टेन थीटा लिमिट लगा दिया दोस्तों 0 से लेकर के π/4, और यहाँ से अपर लिमिट को पुटअप करते हैं टेन पाई बटा फोर और लोअर लिमिट टेन जीरो। अब देखोगे तो मैं भी गलती करने जा रहा था, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना स्टूडेंट, ज़्यादा जोश में इतना नहीं रहना है। चलिए यहाँ से टेन पाई बाई फोर यानी कि 1 दोस्तों 1 - 0 तो मिलकर के बनेगा दोस्तों 1। अब देखिए कितना इजी प्रश्न था, अगर इनवर्स में लग रहा था तो शायद 5/4 हो सकते, जो कि आप लोग को हर वीडियो में उस प्रकार के प्रश्न बताते हैं, लेकिन नहीं आप लोग ऐसा एग्जाम में गलती से भी गलती नहीं करने का डी एसोटी करना। चलो सेक स्क्वायर का समाकलन एक बार सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या हो जाएंगे। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स होते हैं, क्या होते हैं डी स्टूडेंट, चलिए एकदम तहलका मचा देंगे, एक एक एग्जाम में फाड़ देंगे दोस्तों क्वेश्चन के, क्या करेंगे मार के फाड़ देंगे। चलिए देखिए डी स्टूडेंट ये सब प्रश्न अब नहीं पूछता, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल से लगातार नहीं पूछा है, थोड़ा सा अंक करके अब चेंज करके पूछता है, लेकिन आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे, ये कोई गारंटी नहीं ना है, लेकिन पूछता है कम ऐसा प्रश्न, लेकिन आप लोग को इसी को अंक को इस प्रकार से चेंज करके पूछेगा, इसका समाकलन करेंगे। मेरे सही प्यारे प्यारे विद्यार्थी नाने नाने स्टूडेंट को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ठोक देते हैं, यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ से 4 हो जाएंगे, एक्स का गुणांक नीचे आएंगे, ये 3 हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। और इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछता है बिहार बोर्ड, देखो 4 दे दिया, यहाँ से एक्स क्यू दे दिया, करो समाकलन, तो क्या करेंगे 4 हो जाएगा बाहर, और एक्स का पावर दोस्तों 4 का हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, नीचे का 4 हो जाएगा, यहाँ से खत्म होकर के एक्स के पावर 4+c हो देंगे। अभी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, समझोगे एग्जाम में तहलका मचा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फाड़ देना एग्जाम में, क्या करना है फाड़ देना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए डे स्टूडेंट ये क्या क्वेश्चन है यार, कहाँ गया, ये तो हो गया ना, चलिए हो गया। देखिए डी स्टूडेंट ऐसा प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे।
देखो एक्स स्क्वायर दिया गया है, लिमिट दिया गया है जीरो से लेकर के वन तक, लेकिन ऐसे करोगे गलती हो जाएगा। पहले समाकलन करेंगे, एक्स के पावर थ्री आ गया बटा थ्री आएगा, लेकिन हम लोग चतुर हैं, कान पकड़ के बाहर करेंगे कॉन्स्टेंट को, अपर लिमिट को लाएंगे, लोअर लिमिट को सम्मान देंगे। चलिए यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपन को पता है कि वन बटा थ्री को बाहर करते हैं क्योंकि हम लोग चतुर हैं। चलिए यहाँ से आप लोग को अपर लिमिट दिया गया, देखो अपर लिमिट क्या देगा, वन देने का, क्या देने का, वन देने का, तो अपर लिमिट वन देंगे, लोअर लिमिट सही विद्यार्थी को पता है जीरो लिखेंगे। चलो वन बटा थ्री इज करेक्ट आंसर, यानी कि वन में से जीरो देंगे तो कभी जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि वन बटा थ्री हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चलिए एकदम हल्का मचाना, ये क्वेश्चन में कोई विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। चलिए देखो नहीं समझ में एक और समझा देते हैं, इसका दो सौ समाकलन क्या हो थ्री हुआ, बता मैंने नीचे थ्री एक्स का गुणा वन बटा थ्री बाहर हुआ, ठीक है रेस्टोरेंट, अपर लिमिट को रखेंगे, क्या रखेंगे अपर लिमिट को रखेंगे वन के पावर दोस्तों क्या रखेंगे थ्री रखेंगे, यहाँ से जीरो का पावर थ्री रखेंगे, ठीक है ना रेस्टोरेंट। चलो चलो वन बटा थ्री आएगा, ठीक है ना, चलिए ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तहलका मचा दीजिए। देखिए ये प्रश्न का पाई बटा बारह हो जाएंगे, ये प्रश्न मुझे याद हो गया था, सोल्यूशन नहीं करना पता था, देखो 2020 में पूछा है और आप लोग को ज्ञान तो 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है रेस्टोरेंट, ऐसा क्वेश्चन तुरंत मार देते ए नंबर, ठीक है रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग को पता था। चलिए देखिए इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, वन बटा रूट थ्री लिमिट है, आप लोगों को पता ना रेस्टोरेंट टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएंगे, आप लोगों को पता है वन से लेकर के रूट थ्री तक, अपन देखो रूट थ्री रेस्टोरेंट टेन में रूट थ्री कितना का मान, डायरेक्ट करेंगे कितना का मान है पता है, रूट थ्री किसका का मान है पाई बटा थ्री यानी कि 60 डिग्री बिल्कुल, और लोअर लिमिट लिखेंगे माइनस में, हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखो वन कितना होता है, टेन पाई बाई फोर का होता है, यहाँ से लिखेंगे रेस्टोरेंट, चलो यहाँ से बारह ना आएंगे, चलो तीन चौके बारह तो फोर पाई आ गया, चलिए चार तीन बारह थ्री पाई, यानी कि दोस्तों थ्री पाई बटा बारह, फोर पाई माइनस थ्री पाई यानी कि पाई बटा बारह ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता हम लोग बोलते ना, जो विद्यार्थी नया नया है ललका को दबा करके मन कीजिए हल्का, यानी कि आप लोग नया नया आए तो थोड़ा सा मन को हल्का कर ले, संस्कार करके रेगुलर क्लास करोगे समझ में आने लगेगा। चलिए चलिए रेस्टोरेंट देखिए 17 नंबर प्रश्न, क्या लाजवाब प्रश्न है रेस्टोरेंट, एकदम तहलका फोड़ जवाब देना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे सर जी, देखिए कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दिया गया रेस्टोरेंट, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और नीचे लिखा गया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दिया गया दोस्तों। चलिए कुछ अलग अलग करेंगे डियर स्टूडेंट, साम जो उसको हम लोग सेटिंग किया है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एस स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ से कोस स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन कोस स्क्वायर नीचे वाला, अरे प्लस का है दोस्तों, यहाँ से कोस स्क्वायर लिखेंगे बटा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, चलो यहाँ से साइन खत्म, यहाँ से आप लोग कोस खत्म, यानी कि दोस्तों ये क्या बचा हम लोग को, क्या बचा ये कोस बता, यानी कि वन बता कोस स्क्वायर सेक होता है, सेक का समाकलन टेन हो गया, चलो सही पर टेन दिख रहा है, और आप लोगों को पता है ये क्या बच गया, साइन बच गया, क्या बताया साइन, साइन का उल्टा करेंगे तो कोस है, कोस एक्स का समाकलन माइन क्या होते हैं, साइन स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन का कोस का स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएंगे डिस्टोन, साइन स्क्वायर का समाकलन, चलो कोस का स्क्वायर, सॉरी कोस का स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट होते हैं, समझ गए ना डिस्टोन, इसका ए नंबर हो जाएंगे, मैंने कुछ नहीं किया, सही विद्यार्थियों को पता चला कि हम लोग डिवाइड किए तो नीचे आप लोग का वन बटा कोस स्क्वायर आया और इधर दोस्तों वन बटा साइन आया, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कोट एक्स, ए नंबर इज करेक्ट। देखिए डियर स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न, ई के पावर लॉग एक्स समाकलन गुणांक में बतला चुके हैं एक्स होता है, ई के पावर लॉग एक्स एंगल के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों काट जाते हैं एक्सपोटेंशियल और लॉगरिथमिक, ठीक है सुन, एक दूसरे का विपरीत होता है इसीलिए ऐसा होता है, तो x का समाकलन करेंगे, क्या करेंगे x का समाकलन, सही विद्यार्थी को पता है x का समाकलन x स्क्वायर बाई टू प्लस सी होता है, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रेस्टोरेंट, देखो समझो एग्जाम में तहलका मचा दो फाड़ दो, चलिए e का पावर log एग्जाम में दे देगा आप लोग को क्या दे देगा, यहाँ से दे देगा sin x दे देगा, ठीक है रेस्टोरेंट, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये दोनों को हटा करके लिख देना है sin x का समाकलन,
तो आप लोग को पता है sin x का माइनस cos हो देंगे, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो टेंशन लेने का नहीं डियर स्टूडेंट, टेंशन देने का। चलिए देखिए उन्हें इस नंबर प्रश्न पाई बाई फोर हो देंगे। कहाँ गया पाई बाई फोर, ये नंबर में दिख रहा है, ये नंबर इज करेक्ट। देखिए पांच नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है कैप कैप। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 100 ऑब्जेक्ट रहता तो इस टाइप का दो प्रश्न रहते। अगर आप लोग को नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा पक्का दोस्तों पक्का। और देखिए और दो नंबर का हो सकता है या तो पांच नंबर पूछ सकता है, क्योंकि 2019 में पांच नंबर पूछा है और 2022 में दो नंबर पूछा है। समझो कैसे, जीरो से पाई बाई टू लिमिट दिया गया, याद रखना जीरो से पाई बाई टू दिया रहता है तो इसका दोस्तों फलन जो होता है दोस्तों पाई बाई फोर के रूप में आता है। तो यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से cos x का सही विद्यार्थी को पता है समाकलन sin x होता है, लिमिट लगा दिया जीरो से लेकर के पाई बाई टू लगा दिया। आप लोगों को पता पहले अपर लिमिट रखते हैं तो sin पाई बाई टू हो गया, sin पाई बाई टू वन होता है क्योंकि sin जीरो जीरो ही होता है, sin 90 देखिए sin पाई बाई टू वन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि आप लोग कुछ नहीं याद रखना है, इसका sin हो जाएंगे sin 91 होता है यहाँ से बी नंबर। चलो देखिए यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है कि देखिए इसका tan इनवर्स x होता है डियर स्टूडेंट, और tan इनवर्स x में जो 1 होता है दोस्तों पाई बाई फोर का मान होता है, यहाँ से भी नंबर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट कितना इजी प्रश्न था, देखे ना आप लोग एकदम भौकाल मचा दीजिए, एग्जाम में फाड़ देंगे ऐसे प्रश्न को। ठीक है ना, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स tan x पाई बाई फोर के रूप में आ जाएंगे क्योंकि 1 का मान वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है ना, बी नंबर इज करेक्ट। चलो यहाँ से लास्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट समझो, और आप लोग को डाउनलोड करेंगे PDF और क्या फार्मूला डाउनलोड करेंगे। चलिए देखो ऐसा प्रश्न आया है तो आप लोग को लॉगरिथमिक का सूत्र आएगा, एग्जाम में तहलका मचा देना। देखो एक मिनट क्या गया, देखिए यहाँ से 1/x का से विद्यार्थियों को पता है लॉग x हो जाएंगे, लिमिट दिया गया 2 से लेकर के 1 तक, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो लॉग 1 हो जाएंगे डी एस, चलिए और लॉग 1 माइनस ये लोअर लिमिट है तो लॉग 2 हो जाएंगे। चलिए ये लॉग 1 बाई 2 हो जाएंगे डी एस, क्या देंगे लॉग 1 बाई 2 हो जाएंगे, लॉग 1 बाई 2 देखोगे क्योंकि आप लोग को पता है लॉग ए माइनस 1 लॉग एम बटा एन होता है, ये सब सूत्र आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, लॉग 1 बाई 2 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखो अब आप लोग को PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या आप लोग चाहते हैं डी एस बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना, क्या आप लोग भी चाहते हैं 90% आपका भी आए, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है PDF कोर्स के लिए। इस नंबर पर आप लोग को वहीं दोस्तों विद्यार्थी कॉन्टेक्ट करना जो वास्तव में PDF कोर्स लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 90% मेरा भी आए, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं डी एस। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सही विद्यार्थियों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग को शाम को 7 बजे 8 बजे क्लास कर लेना है। और आप लोगों को करना क्या है कि PDF डाउनलोड करने के लिए सर्च करें गूगल पर एजुकेशन लेक्चर, इसी के सर्च करके आप लोग को PDF हम लोग को लाइव डाउनलोड करके दिखलाते हैं। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर educationlecture.com सर्च करके बतलाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, क्या करना है गूगल या क्रोम आपके मोबाइल में बहुत ही अच्छा, यहाँ से चैनल का नाम एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करो डियर स्टूडेंट, वेबसाइट अगर उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, और यहाँ पर आप लोग को 12th IAS लिखा, यहीं पर आप लोग PDF को क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हो। ये आप लोग को देख रहा है, ये जो आप लोग को देख रहा है यहीं पर आप लोग को क्लिक करना है, 12th IAS पर क्लिक कर दिया। चलो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख पा रहे कि बिहार बोर्ड ने 2023 के लिए क्या नया बदलाव, तो यहाँ से करें न्यू पैटर्न डाउनलोड, यहाँ से आप लोग को लिंक डालें PDF का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो आप लोग आओ और डाउनलोड करते जाओ, क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड ने पैटर्न ही बदल दिया पूरा का पूरा, जो कि आप लोग को खुशी की बात है, शॉर्टेज ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आप लोग को एग्जाम में टाइम बचेगा और एग्जाम में तहलका मचा दे। देखिए पहले तो बात तो आप लोग को न्यू पैटर्न यहाँ से सभी विद्यार्थियों को डाउनलोड करना है, और अभी का PDF भी डाउनलोड करना है, और सभी विद्यार्थी अभी तक क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, और आप लोग इंटरनेट मॉडल पेपर डाउनलोड करें, फिजिक्स का 1000 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करें ऑल सब्जेक्ट यहाँ से। चलिए आप लोग को क्या करना है, हाँ एक और सूचना डी एस टून कहना भूल गए थे, कल का आप लोग को पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाए थे, यहाँ से कर पाएंगे, और अभी का PDF यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड देगा, देखिए देखिए ना डी एस स्टूडेंट हो गया डाउनलोड, देखिए ब्राउजर के यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, देखिए डी एस स्टूडेंट देखिए आप लोगों के प्रत्यक्ष मैंने रूबरू कराया PDF को डाउनलोड करके, तो सही विद्यार्थी आएंगे फटाफट डाउनलोड करेंगे यहाँ से। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, एक बार प्रेस कर लेना है। चलिए देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा टाइम लेगा।
चले डे सुन, देखिए यहाँ से आप लोग का डाउनलोड हो गया। सही विद्यार्थी फटाफट ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग को सोल्यूशन के साथ मिलेगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करके मन को हल्का कर लीजिए डे सुन, ताकि आप लोग को बेहतर फील होगा, ठीक है स्टूडेंट। नहीं तो दबाव बना रहेगा कि कैसा प्रश्न आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।